तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकड़ रूप पे। और आज मैं साउथ की मूवी लेके आऊँ जिस मूवी का नाम है रूलर। और इस मूवी को हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और ये मूवी हमको सब क्या नया दिखाती है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी को देखते समय, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए रिव्यू शुरू करते हैं। और ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में और इस मूवी का जॉनर है ड्रामा एक्शन। और इस मूवी को IMDb पे 3.4 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 की और गूगल यूजर ने इसे 74% के स्कोर दिए। और इस मूवी का डायरेक्शन किया है रवि कुमार ने। और इस मूवी के कास्टिंग में आपको देखने को मिल जाएंगे नंदमुरली बालकृष्णा, सोनल चौहान, शताब फाइगर, प्रकाश राज और सयाजी शिंदे। और ये मूवी भाई एक एवरेज मूवी से नीचे होने वाली है। और भाई इस मूवी की स्टोरी कुछ ज्यादा खास नहीं है और इस मूवी में ना भाई आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। और इस मूवी की जो स्टोरी है, इस मूवी के जो कैरेक्टर्स है भाई, उनसे ना आप इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे। और अगर आप नंदमुरली बालकृष्णा के फैन हो ना तो भाई ये मूवी आप देख सकते हो, लेकिन ये मूवी भाई आपको इम्प्रेस नहीं कर पाती है। और ये पूरी मूवी ना भाई 2.5 घंटे के आसपास की होने वाली है, लेकिन आप जब इस मूवी को देखोगे ना तो इस मूवी में आपको कुछ नया कुछ यूनिक तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये मूवी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा नया है और मूवी अपने प्लॉट को लेकर थोड़ा सीरियस भी रहती है, लेकिन यार मूवी में कुछ ज्यादा मजा नहीं आता। और अगर इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करें ना तो इस मूवी में एक बिजनेस वूमेन का कैरेक्टर देखने को मिलेगा जो एक बहुत बड़ी कंपनी को रन करा रही है। और इसका ना कोई वायरस नहीं होता, लेकिन जब वो यूपी के दौरे से लौट रही होती है ना एक प्रोजेक्ट को लेके, और वो वहां पे उस प्रोजेक्ट को क्यों कैंसिल कर देती है आपको उस मूवी में देखने को मिलेगा। और इसकी फैमिली में ना कोई पर्सन ना होने की वजह से बालकृष्णा के कैरेक्टर को कैसे अडॉप्ट करती है और वो कैरेक्टर इसको कहाँ मिलता है, ये सारी चीजें आपको उस मूवी में देखने को मिलेगा। और जब बालकृष्णा का कैरेक्टर इस कंपनी को ज्वाइन करता है, कैसे इस कंपनी को नंबर 1 पे लेके जाता है, बालकृष्णा की लाइफ में पहले क्या हुआ था, उसकी क्या स्टोरी है, ये सारी चीजें आपको उस मूवी में देखने को मिलेगी। और बालकृष्णा का कैरेक्टर ना किसानों को बचाने के लिए किन बड़े लोगों से पंगा लेता है और उनसे जीत पाएगा या नहीं, ये सारी चीजें आपको उस मूवी में देखने को मिलेगी। और अगर इस मूवी में कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें ना तो इस मूवी में जो प्रकाश राज का कैरेक्टर है ना, एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर है जो अपने से बड़े सीनियर को ना एक सुझाव देता है क्राइम कम करने का, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं होता है, अगर हम उनको कोई काम दे देना तो वो अपने काम में लग जाएंगे। तो कैसे वो आंध्रा के लोगों को ना यूपी में 5,000 एकड़ की जमीन दे देते हैं जिसपे वो खेती कर सकते हैं और किन शर्तों पे वो जमीन उनको दी जाती है, ये सारी चीजें आपको उस मूवी में देखने को मिलेगी। सयाजी शिंदे के कैरेक्टर के बारे में बात करें ना, उनके रिश्तेदार में ना एक लेडी होती है जिनकी एक बहुत बड़ी कंपनी होती है और हमेशा वो उस कंपनी के बारे में कैसा बुरा सोचते हैं। अगर शताब फाइगर के कैरेक्टर के बारे में बात करें ना तो वो प्रकाश राज का भाई है और वो एक ठाकुर जात से बिलोंग करता है और वो ना वोट पाने के लिए किस हद तक जा सकता है और प्रॉपर्टी के लिए किन किन को मारता है, ये सारी चीजें आपको उस मूवी में देखने को मिलेगी। तो शतब का कैरेक्टर जब वो एक मंत्री बन जाता है ना तो कैसे गांव के लोगों की जितनी भी जमीन होती है ना वो कैसे धीरे धीरे उनको हड़पना स्टार्ट कर देता है और उनको इस जंगल से कौन बचाता है, ये सारी चीजें आपको उस मूवी में देखने को मिलेगी। और अगर इस मूवी की हिंदी डबिंग की बात करें ना तो भाई इस मूवी की हिंदी डबिंग कुछ ज्यादा खास नहीं है। और भाई इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं तो भाई इस मूवी को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि जब मैं इस मूवी को देख रहा था ना तो इस मूवी में भाई देखने लायक कुछ नया नहीं है कि जिसकी वजह से मैं आपको रिकमेंड कर सकूं, इस मूवी को आप स्किप कर सकते हो। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा वरना इस मूवी को देखने का आपका मजा खराब हो जाएगा। और अगर ये मूवी आपने देखी है ना तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना और इस मूवी का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक।